स्वामी जी जन जागरण अभियान की बात तमाम सरकारें करती हैं उत्तराखंड देवभूमि है, देव है माँ गंगा के दर्शन स्नान करने के लिए हर कोई आते हैं लेकिन आजकल एक बड़ा पैटर्न चेंज हुआ है आजकल के काफी समय से हो रहा है कि लोग आते हैं अयाशी ज़्यादा करते हैं शराब की बोतलें वहाँ पर मिलती हैं बियर की बोतलें वहाँ पर मिलती हैं तो ये कैसा किस तरह का जन जागरण आप भी उसी से जुड़े हो सरकार हमेशा अभियान चलाती रहती है फर्क तो कुछ पड़ता नहीं है किसका है मुझे लगता है ये लंबा प्रोसेस है अभी आज और कल में 25 देशों के लोग और सब यंग उन लोगों को बुलाया है जो बड़े बड़े अमीरों के बच्चे हैं लेकिन अपना एक एक साल जिनके लिए पांच मिनट निकालना मुश्किल है एक एक साल दो दो साल तीन तीन साल सेवा के लिए जन जागरण के लिए लोगों के बीच में जाकर काम करने के लिए वो लोग आज मेरी साथी फ्लाइट में आए हैं चले गए और कल सवेरे आ रहे हैं तीन दिन में कल माननीय मुख्यमंत्री जी परसों आ रहे हैं जब हमारे विचार बदलेंगे तो फिर एसटीपी तो भले ही Uh, कितनी क्षमता क्यों होगी लेकिन हमारे पास क्षमता बहुत है इसलिए हमें खुद उसको जोड़ना होगा अपनी गली से यह काम करना पड़ेगा और मुझे पूरा विश्वास है अगर गली बदलेगी तो गांव बदलेगा और गली से ज्यादा बढ़कर काम करने की क्षमता हो तो मोहल्ले को जोड़ें लेकिन स्वामी जी होता है जब भी ऐसे अभियान शुरू होते हैं बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े नेता एक एक दिन दो दो दिन या कोई एक दिन तय करते हैं अखबारों में फोटो खिंचाते हैं वीडियो बनवाते हैं उसके बाद फिर उसी गली का वही हाल होता है उस कल, कल कल नदी का वही होता है हम लोग आदरणीय जोशी जी और मैं और माननीय एक प्लांटेशन करने गए जो रिवर है आपकी चांद पत्थर के पास उसको जिंदा करने के लिए प्लान ये बना आए बनाया किया और गए नहीं उसके लिए भी और रिस्पना के लिए भी अभी हमारी एक नेक्स्ट मीटिंग है यंग लोगों के साथ में चीफ सेक्रेटरी से मेरी बात हुई और वो सहमत थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी सहमत थे उनका पूरा इसमें सहयोग है उन्होंने कहा कि सबको जो है दो स्कूलों की लिस्ट बन गई अब उन लोगों के लिए हम लोग ये प्लान बना रहे हैं कि कैसे 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का एरिया कैसे 100 100 मीटर ये मेरा एरिया है जो लोग हैं उनके घर के आगे मेरे दस गज लेकिन जो स्कूल हैं मेरे सौ गज या मेरे हजार गज या मेरे दस हजार गज अगर वो इस तरह से हम लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस ये काम बनेगा एक बात और ये मैं अस्सी की बात कर रहा था अस्सी बाईस किलोमीटर है कल आ, कल हम लोगों की मीटिंग हुई दिल्ली में रात को मीटिंग में ये तय हुआ अब तक तो जलदान बहुत किया हम लोगों ने नाले का काम सरकार करे और हो रहा है माननीय योगी जी का मतलब है कि देव दिवाली से पहले पहले अस्सी का नाले में दिए जलेंगे इतना काम वो करने को तैयार और कर रहे हैं और उसके साथ मैंने कहा जल दान तो वो होगा लेकिन हम जाल दान करें जाल दान क्या पहली बार होगा जाल दान कि लोगों की आदत है जो आया अपने घर का कचरा नदी में फेंका ऐसा ना हो इसके लिए दो दो मीटर का लंबा लंबा बाईस किलोमीटर इधर 22 किलोमीटर उधर और वो पूरा का पूरा लोगों से कहा जाए एक एक मीटर दो दो मीटर जाल दीजिए आप देखेंगे वो पूरा लोगों के सहयोग से बनेगा